विपदाएँ सबके जीवन में आती हैं, किंतु अनेक लोग विपदाएँ आने के पश्चात ईश्वर को कोसते हैं, कहते हैं आप हमारी सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे, हमारे मन में आपके लिए अपार भक्ति है, सदैव आपका जाप करते हैं, फिर भी आप हमें इससे बाहर निकलने का ना मार्ग दिखा रहे हैं ना इस संकट से हमें बाहर निकाल रहे हैं। अब ये हो गई आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। अब मैं बताती हूँ सत्य क्या है। सत्य ये है कि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, रहेंगे। देखिए उस बीज के दृष्टि से जो धरा के नीचे दबा हुआ है, उसे परिवर्तित होना है एक विशाल से सुंदर वृक्ष में। वो तभी होगा जब वो टूटेगा, टूटेगा तभी जब उसे ऊष्मा मिलेगी। ऊष्मा कहाँ से मिलेगी? सूर्य के ताप से। सूर्य के ताप से ये धरा कभी नहीं बच पाई है, उससे इस ताप को सहना ही पड़ता है। और जब ये धरा और ये बीज दोनों ताप जाते हैं, तभी तो प्रकृति वर्षा करती है, और उसी वर्षा से ये बीज एक सुंदर से वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। है ना ईश्वर सदैव हमारे साथ। इसी प्रकार आपके जीवन में जब भी कोई संकट आए, कोई कष्ट आए, इसका अर्थ ये है कि आप ही के किसी पाप का दंड आपको मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में आपको एक सुदृढ़ इमारत बनना हो, उसकी आवश्यकता हो, तो ये उसी की नींव है। जितना सीखोगे, जितना शक्तिशाली बनोगे, उतनी बड़ी इमारत बनोगे। स्मरण रखिएगा, आभूषण बनाने के से पूर्व स्वर्ण को भी कई बार कसौटी पर परखा जाता है, अग्नि पर तपाया जाता है। उसी प्रकार यदि आप सुदृढ़ बनना चाहते हैं, तो लक्ष्य ग्राहक का ताप सहना ही पड़ेगा।